गुरुग्राम के कादरपुर में इस वक्त मौजूद हैं और आप हमारे पीछे जो झोपड़ियां देख रही हैं, अब से यहां थोड़ी देर पहले किसी ने इन झोपड़ियों में आग लगा दी थी और संदेह इस बात पर जताया जा रहा है कि जो नूह में हिंसा भड़की थी, मेवात में हिंसा भड़की थी, उसका असर अभी के समय यहां देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो फायर फाइटर की टीम होती है वो मौके पर यहां मौजूद है और आग को बुझाने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है, क्योंकि अचानक से ये खबर मिली कि कादरपुर जो बादशाहपुर के पास नजदीक का इलाका है वहां पर झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी। और अभी के समय आप देख सकते हैं कि जो फायर फाइटर की टीम है वो लगातार यहां पर जुटी है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं मौके पे जो फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां हैं, जो कर्मचारी हैं, वो मौके पे मौजूद हैं और यहां पर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। मेवात और नूह में जो हिंसा हुई थी उसका असर अभी के समय हरियाणा के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। बादशाहपुर में हमने अब से थोड़ी देर पहले देखा था कि वहां पर दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी, लूट करने की कोशिश की थी, हालांकि पुलिस ने उसको विफल कर दिया था, लेकिन अभी के समय कादरपुर में यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झोपड़ियों को जला दिया गया है और अभी के समय जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। ब्रो जर्नलिस्ट आकाश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम।